एक बार चार्ज करने के बाद 300 किलोमीटर दौड़ता है ये ई स्कूटर, 1,00,000 रुपए से कम कीमत में मिल रही है मार्केट में। जी हाँ दोस्तों, बता दें नया इलेक्ट्रिक स्कूटर आ चुका है, एक बार फुल चार्ज करेंगे 300 किलोमीटर से ज्यादा का जो है रेंज देगा। आइए जानते हैं दोस्तों कौन सी कंपनी का है, प्राइस 1,00,000 रुपए से कम है तो कितना प्राइस है, सरकार कितना सब्सिडी दे रही है और आप जो है इसे कहाँ से खरीद सकते हैं, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर क्यों कर रहे हैं, तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। पहले गाड़ी देख लेते हैं, लेकिन गाड़ी से पहले बता दें दोस्तों कि ये जो हम है यहाँ पे जी न्यूज हिंदी का जो है रिपोर्ट दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये जी न्यूज का ही रिपोर्ट दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई दूसरे जगह का न्यूज दिखा रहे हैं। आइए पहले गाड़ी देख लेते हैं। तो ये रहा आपका गाड़ी, व्हाइट एंड ब्लैक कलर का गाड़ी देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से गाड़ी यहाँ पे लगा हुआ है। सिंगल चार्ज पर 300 किलोमीटर रेंज की कवर करता है, इसलिए गाड़ी में यहाँ पे जो है कंपनी ने लिख भी दिया है। आइए इसके बारे में जो है डिटेल में हम लोग जानते हैं, बात करते हैं दोस्तों। तो अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो अगर आप जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए सोच रहे थे तो आपके सामने एक बहुत सारा जो है अच्छा विकल्प आ चुका है। आज हम ऐसे स्कूटर के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों जो सिंगल चार्ज में 300 किलोमीटर की रेंज दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, 100-200 नहीं, पूरे 300 किलोमीटर की जो है रेंज दे रहा है। इस गाड़ी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों चीप एंड बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर IME रैपिड के बारे में। तो पेट्रोल डीजल की जो है लगातार महंगी कीमतों की वजह से जो है लोग अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। ऑटो मार्केट में हर महीने बैटरी से चलने वाली कार और बाइक स्कूटर लॉन्च हो रहे हैं। ऐसे में दोस्तों खास बात यह है कि यह सेक्टर में जो है आने वाले समय में जो है बहुत ही ज़्यादा नामी होने वाला है। और कुछ ऐसे ब्रांड है, ऐसे स्टार्टअप हैं जो आधुनिक फीचर्स पर काम कर रहे हैं और मार्केट में आने वाले समय में जो है तहलका मचाने वाले हैं। वहीं हम लोग बात करते हैं दोस्तों गाड़ी के बारे में, तो 300 किलोमीटर की जो है चार्ज सिंगल चार्ज पर। जी हाँ दोस्तों, बता दें ये गाड़ी देख सकते हैं, गाड़ी काफ़ी बढ़िया है। देश में जो है टू व्हीलर सेगमेंट की बात करें दोस्तों तो बैटरी से चलने वाला जो है स्कूटर सबसे खास और लोकप्रिय होते जा रहा है। ऐसे में एक स्टार्टअप कंपनी अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर, अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर को जो है लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि एक बार चार्ज करने के बाद यह 300 किलोमीटर की रेंज जो है कवर करता है बिना नॉन स्टॉप रुके हुए। वही नहीं, इस स्कूटर के नाम की बात करें दोस्तों तो IME रैपिड है, जो कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को कुछ खास पहले जो है भारतीय बाजार में उतारा गया था। इस स्कूटर को जो है लॉन्च और रेंज कैटेगरी की बात करें तो लंबी दूरी को कवर करने के लिए जो है कंपनी ने इसे लॉन्च किया है। तो जो लोग लंबी दूरी सफर करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये गाड़ी बहुत ही अच्छी है। आगे बात करते हैं तो कितनी है इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज। तो जी हाँ दोस्तों, बताते हैं कंपनी के मुताबिक यह स्कूटर में 2000 वाट की यानी 2 किलो वाट की मोटर लगाई गई है। इस स्कूटर में जो है 3 रेंज अलग अलग देखने को मिल जाता है, 3 अलग अलग वेरिएंट देखने को मिलेगा, जिसमें से पहली वेरिएंट जो है 100 किलोमीटर की रेंज देता है, यानी एक बार फुल चार्ज करने के बाद आप 100 किलोमीटर तक चल सकते हैं। वहीं बात करते हैं तो इसकी दूसरा कैटेगरी आता है, यानी दूसरा जो मॉडल आ रहा है उसमें 200 किलोमीटर की रेंज मिलता है और तीसरा जो मॉडल आ रहा है उसमें 300 किलोमीटर की रेंज मिलता है। कंपनी का कहना है कि यह स्कूटर आप लंबी दूरी के लिए और आराम से सफर करने के लिए जो है गाड़ी को ले सकते हैं, जिसको जितना माइलेज चाहिए उस हिसाब से गाड़ी खरीद सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों तो जान ले स्कूटर की कीमत। जी हाँ दोस्तों, स्कूटर की कीमत भी जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले इस गाड़ी को हम आपको बुक करके भी दिखाते हैं कि कैसे इसको बुक करना है। उसके लिए आप गूगल में चले जाना है और आपको यहाँ लिखना है IME रैपिड इलेक्ट्रिक स्कूटर, नहीं IME रैपिड इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो चलिए लिखते हैं IME रैपिड इलेक्ट्रिक स्कूटर, रैपिड इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑफिशियल वेबसाइट लिख देंगे तो आ जाएगा, नहीं भी लिखेंगे तो देख सकते हैं आ चुका है IME व्हीकल का ये ऑफिशियल वेबसाइट। मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल है, यानी पूरी तरह से भारत में बनाया गया है। इसी वेबसाइट में हम लोग चलेंगे और इसको ओपन करके भी हम लोग देखेंगे। चलिए ओपन हो चुका है, हम लोग आ चुके हैं IME की जो है वेबसाइट पर। ये रहा आपका गाड़ी, गाड़ी देख सकते हैं अलग अलग मॉडल अलग अलग कलर में आपको बहुत सारा गाड़ी देखने को मिल रहा है। आइए इसके बारे में धीरे धीरे स्क्रॉल करके नीचे की ओर चलते हैं और जानते हैं। तो ये गाड़ी हम लोग देख सकते हैं 300 किलोमीटर की शानदार रेंज वाला यही गाड़ी है, ब्लू कलर का यहाँ पे दिखाया गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। सीट की बात करें ब्राउन कलर का बहुत ही जकास है, देखिए कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है गाड़ी को। देखिए गाड़ी की चाबी यहाँ पे लगता है, यहाँ पे आपको बड़ा सा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, बाकी स्विच वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाता है।
गाड़ी काफी कंफर्टेबल और बहुत ही झक्कास बनाया गया है। गाड़ी में आपको जो है डिस्क ब्रेक भी देखने को मिल जाता है, शानदार टायर के साथ आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है। सस्पेंशन की बात करें, बहुत ही सुंदर सस्पेंशन है, यहाँ पे आपको मोटर बड़ा सा लगा हुआ है। गाड़ी की बात करें, ओवरऑल बहुत ही अच्छी है। बाकी इसके बारे में डिटेल यहाँ पे सारा कुछ इनके वेबसाइट पर लिखा हुआ है। पूरी गाड़ी की लुक रेड कलर का देखिए कुछ इस प्रकार से दिखता है। चलिए पूरा स्क्रॉल करके हम लोग नीचे की ओर जानते हैं, इस कंपनी के बारे में जानकारी और लेते हैं, क्या क्या इन्होंने जानकारी यहाँ पे दे रखा है। बहुत ही लंबा इनका वेबसाइट है। तो नीचे में इनका दिखा लिखा बाइक इनका देखिए, दो बाइक यहाँ पे है और दो स्कूटर यहाँ पे दिखाया हुआ है। बाकी कंपनी से कॉन्टेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए देखते हैं नंबर वगैरह। तो कंपनी से कॉन्टेक्ट करने के लिए यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक करना है, इस जगह पे थ्री डॉट यहाँ देख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखते हैं आगे क्या खुलता है। आ चुका है हमारा कॉन्टेक्ट अस का जो है वेबसाइट, और यहाँ पर सबसे पहले आपका फ़ोन नंबर आ चुका है, कस्टमर केयर देख सकते हैं, कस्टमर केयर लिखा हुआ है और यहाँ पर फ़ोन नंबर भी है। इसमें कॉल करके आप कंपनी से पूरी जानकारी ले लीजिएगा, उसके बाद आपको आप गाड़ी खरीदिएगा। बाकी इनका ईमेल आईडी वगैरह है, एड्रेस वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, कहाँ पे इनका ऑफिस वगैरह है, फेसबुक आईडी वगैरह, यूट्यूब आईडी सब कुछ यहाँ दिया हुआ है, आप चाहे तो कंपनी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए फाइनली अब हम लोग यहाँ पे प्राइस के बारे में जान लेते हैं दोस्तों कि क्या इसका प्राइस है। तो जान लें स्कूटर की प्राइस, तो कंपनी जो है इस स्कूटर में सबसे पहले बेंगलुरु में उतारा है और कंपनी का प्लान है आने वाले कुछ समय में जो है यह स्कूटर कर्नाटक समेत सभी जगह 20 से 25 शहरों में लॉन्च कर दिया जाएगा। वहीं नहीं, पूरे इंडिया में जिसे लॉन्च पूरी तरह से कर दिया गया है। वहीं इनकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके या फिर कंपनी के नंबर से बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं तो इस स्कूटर के दाम के बारे में, तो यह इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है इसकी शुरुआती कीमत 99,000, जी हाँ दोस्तों, मात्र 99,000 रुपये से स्टार्ट होता है और 1,48,000 रुपये तक जाता है। आप जो है इस स्कूटर को जो है एक किस्त में भी खरीद सकते हैं और अच्छा खासा पैसा जो है बचा सकते हैं। तो अगर किस्त में खरीदना चाहते हैं तो किस्त में भी खरीद लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगा तो। चलिए आज की वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।